कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। ये क्या सुबह हो गई? जहां तक मुझे याद है बाहर अंधेरा था। रॉडी, पेपर, कोई सुन रहा है मुझे? कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा? ओ, मेरा सिर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? कंप्यूटर, सारी लाइंस बंद है क्या? ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन सिस्टम्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं। बहुत अजीब बात है, जब भी मैं पेपर को मैसेज भेजता हूँ वो तुरंत जवाब देती है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बाहर रहिए, खुदाई का काम चल रहा है। ये बोर्ड यहाँ किसने लगाया? ये फिर से खुदाई कर रहे हैं? रोडी, पेपर, रोडी, पेपर। सब लोग कहाँ चले गए? और मेरी सारी चीजें, मेरी मशीनें, मेरे कंप्यूटर्स, मेरे कवच, मेरे दोस्त। कंप्यूटर, इस जगह पर कोई जिंदा चीज के निशान है? स्कैन से किसी जरूरी जिंदगी के बारे में पता नहीं लगा, सिवाय मायोटिस लूसिफिगस, आम भूरा चमगादड़। बढ़िया, चमगादड़ वो भी आम। ओके कंप्यूटर, मेरे दोस्तों को ढूंढो, रोडी और पेपर को तुरंत। मेरे सिस्टम में पेपर या रोडी का कहीं नाम नहीं है, वो मौजूद नहीं है। क्या वो दोनों मौजूद नहीं है? रोडी, पेपर, कहाँ हो तुम? बहुत मजाक हुआ, अब बस भी करो। कहाँ हो तुम? गायब हो गए? रोडी, पेपर और ये जगह, ये सब किसने किया? ये नामुमकिन है। ये जरूर जीन की हरकत है। सिर्फ मैंड्रिन के पास ऐसी ताकत है, या शायद डॉक्टर डोम के पास। सुनो कंप्यूटर, जब तक दूसरे दोस्त नहीं मिल जाते तुम मेरी दोस्त हो, ठीक है? मेरे पास दोस्तों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। अगर रोडी यहां नहीं है तो उसकी मां को पता होगा कि वो कहां है। दरवाजा खुल नहीं रहा। रोडी, मैं तुम्हें तंग करता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम ताला बदल दो। देखो, अगर तुम अपने स्कूल के लिए मैगजीन्स बेच रहे हो तो मुझे नहीं चाहिए। आप कौन हैं? आप यहां क्या कर रहे हैं? किसके लिए काम करते हैं? आपने रोडी के साथ क्या किया? रोडी, मैं रिटायर हो चुका हूं और मैं 10 सालों से यहां रहता आया हूं, और रोडी नाम का कोई नहीं है यहां पर। वो इस क्लास में क्यों नहीं है? ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोडी कभी कोई क्लास मिस नहीं करता। हैप्पी, तुम गलत लाइन बोल रहे हो। तुम्हें जॉर्ज का रोल अदा करना है। पर मुझे जॉर्ज का रोल पसंद नहीं है, वो एक नंबर का बेवकूफ है। क्या मैंने कभी शिकायत किया कि मुझे अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी का रोल क्यों दिया गया? चलो हम रोल बदल लेते हैं। हाँ हैप्पी, विटनी सुनो। हैप्पी, तुम असली दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों मेरी बात सुनो, ये बात बहुत जरूरी है। तुमने कहीं रोडी या पेपर को देखा है? नीचे कैंटीन में देख लो दोस्त, वहाँ पेपर जरूर मिल जाएगी। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मुझे बताओ वो कहाँ है। मैं रोडी के घर गया था लेकिन वहाँ रोडी नहीं, कोई अनजान आदमी मिला। किसके घर में? ओह, लगता है मैम ने कोई नया रोल भेजा है। शायद तुम स्कूल में नए आए हो। क्या कहा? हाँ यही तो, टीचर ने तुम्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ भेजा है। तुम कोई किरदार निभा रहे हो ना? मैं हैरल्ड हूँ, हैरल्ड होगन। ये विटनी है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, सवाल ये है कि तुम दोनों कौन हो? नया बंदा बहुत ही अजीब है। हो सकता है, पर वो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्यूट है। ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ही बुरा सपना है। कंप्यूटर, गहराई से सपनों की जांच करो। सपना देखने वाले को कैसे पता लगेगा कि वो सपना देख रहा है? मैं नींद की जानकारी हासिल कर रही हूँ। सपना देखने वाले एक टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि वो सपना देख रहे हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर कोई आदमी सपने के बारे में पढ़ सकता है पर वो सपने में पढ़ नहीं सकता।
हैमर ने स्टार्क इंटरनेशनल खरीद ली। ये तो मैं अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। काश ये खबर सच में सपना होती। घर नहीं, स्कूल नहीं, कोई दोस्त नहीं, और मैं खुद से और कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ। जैसे बचपन में होता था, मेरा अच्छा दोस्त बात करने वाला रोबोट था जिसे पापा ने बनाया था। ये ठीक नहीं है। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे दोस्त मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। उन दोनों से मिलने से पहले अपनी पूरी जिंदगी में अकेला ही था। मुझे ध्यान लगाना होगा। कम ऑन टोनी, वो ऐसे गायब नहीं हो सकते। मानो उन्हें हकीकत में से मिटा दिया गया हो। फिर से सोचो, तुमने पिछली बार रोडी को कहां देखा था? एक बात कहूं पेपर, इस गैर कानूनी डील पर तुम्हारी जानकारी वैसी ही लग रही है जब तुमने मॉल में थोर देखने की बात कही थी। मैंने थोर को देखा था, वो एक नॉर्वेजियन होटल में खाना खा रहा था। ओ, जरा रुको, वो जानकारी मुझे हैमर के ईमेल से मिली थी, जिसे हैक करना बहुत आसान था, पर हे, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रही। मैं तो यहाँ खड़े खड़े बोर हो गया हूँ। क्या वो यही है? और वो भी एक वैन में जो स्टार्क इंटरनेशनल की है। जल्दी से ये दिखा दो, बॉस ने कहा था देकर फटाफट चले आना। देखा, यही तो वजह है कि मुझे शील्ड एजेंट बनना चाहिए। हो ना हो वो दोनों गैर कानूनी तकनीक बेच रहे हैं, वही जिसे हैमर काले बाजार में बेचता है। मैं सोच रहा हूँ वो उन्हें किसे बेचेंगे। एम एजेंट्स, मुझे लगा पिछले साल हमने उनका इंतजाम कर दिया था। बिल्कुल कॉकरोचेस की तरह हैं, तुम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। सारा सामान आ गया है। हम क्रेट नहीं खोलने वाले, ये काम जल्दी करो नहीं तो हम जा रहे हैं। तो इतनी जल्दी ठीक है? सामान निकाल लो, हम यहां से निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो जानता है कि हम यहां हैं। तो हम किसका पीछा करें? हैमर के आदमियों के पास तो सिर्फ पैसा है, मुझे ये पता लगाना है कि उस क्रेट के अंदर क्या है। चलो उस ट्रक के अंदर चलते हैं, बहुत आसान होगा। इतने यकीन से मत बोलो, ठीक है? अच्छा, मुझे पसंद आया। क्या तुम मेरे कवच को भी इस तरह बदलने वाला बना सकते हो? बिल्कुल, अगर तुम 20 अलग अलग दिशाओं में मुड़ना चाहती हो तो। ओह, वो सीधे हम पर वार कर रहे हैं। घर में ढूंढने वाले नैरोज इस तरह हम जुदा हुए थे, लेकिन रोड़ी को क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे? एक मिनट, कंप्यूटर, छत पर होश आने से पहले की घटना के बारे में जल्दी से बताओ। तलाश जारी है, किसी घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या? बहुत हुआ, अब तो हद हो गई। लगता है इसके पीछे एम ही है। अगर हैमर ने उसे वो गैर कानूनी तकनीक बेची तो वो जानता होगा कि वो कहाँ छिपे हैं। मुझे तुमसे बात करनी है हैमर, बहुत ही जरूरी बात। बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे मन में आयरन मैन, इसीलिए तो तुम यहाँ हो। हम दोनों के पास ही बहुत सारे सवाल हैं। बेसिल सैंडहर्स्ट, ये नाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम मुझे कंट्रोलर बुला सकते हो। तुम चाहो तो खुद को टीवी रिमोट कंट्रोल बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बताओ, तुम जेल से बाहर कब निकले? शील्ड ने तुम्हें बंद करके चाबी फेंक दी थी ना? हाँ, जब आपके लिए एम एजेंट्स काम कर रहे हो तो इतनी सुरक्षा बेकार है। अब भी लोग हम पर भरोसा करते हैं। कल रात तुम थे हैमर से गैर कानूनी तकनीक खरीदते हुए? वो कल रात की बात नहीं है आयरन मैन, वो 3 रात पहले हुआ था। एक बार फिर अपने आप से पूछो, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? पहेलियाँ बुझाना बंद करो, मैं यहाँ उड़ कर आया हूँ। सच में? तो तुम उस छत तक कैसे पहुँचे जहाँ तुम्हें होश आया था? तुम ये भी जानते हो कि इस वक्त तुम हो कहाँ? मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, शील्ड की जेल के अंदर। तुम अब भी नहीं समझे ना,
मैं यहाँ का कंट्रोलर हूँ और इस वक्त यहाँ की हर चीज मेरे काबू में। गेट चीज। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये क्या ताकत का इंजेक्शन ले रहा है? इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गया? मैं ख्यालों की रफ्तार से बढ़ता हूँ आयरन मैन। ये सब मेरा है, पूरी दुनिया मेरी है। लेकिन एक बात भूल रहे हो, तुम मुझे काबू नहीं कर सकते। चलो इसकी भी जांच कर ली जाए। कंप्यूटर, ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? इतनी ताकत, नई शक्ति है क्या? अंदाजा लगाने के लिए जानकारी कम है। ठीक है, देखते हैं तुम में कितना दम है। तो तुम उड़ भी सकते हो? बिल्कुल ठीक, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दुनिया मेरे हुक्म पर चलती है। मैं ही हूँ सबसे ताकतवर। तुम्हारी बहुत प्रॉब्लम्स है दोस्त। लगता है तुम बचपन से ही ऐसे जिद्दी रहे हो, है ना? तुम बहुत ही खराब स्टूडेंट हो आयरन मैन। जो असलियत को काबू कर सकता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा दिमाग मेरा विरोध कर रहा है। मुझे वो जानकारी नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए। क्या जानकारी? तुम कहना क्या चाहते हो सैंडहर्स्ट? मैं तुम्हारी नई तकनीक के बारे में जानता हूँ। मुझे एक्सट्रीमिस्ट चाहिए, वो अनोखा फ्यूजन जो तुम्हारे शरीर और कवच के पीछे। बस बात हुआ, इस बार मेरे वार से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और रे 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 रे, तुमने मेरा नया सूट गंदा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी तुम्हारे बारे में सब कुछ सीख जाऊंगा, फिर चाहे मुझे उंगली टेढ़ी ही क्यों ना करनी पड़े। वो कार अचानक ही गायब हो गई। छोटी सी गलती। गलती जैसा किसी प्रोग्राम में होती है। जांच के देखता हूँ। अच्छा, ये प्रोग्राम विस्फोटों को सहन नहीं कर पाता। मैं तुम्हारी गलती समझ गया हूँ कंट्रोलर। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। ये जरूर कंप्यूटर की मशीन की दुनिया है। बिल्कुल ठीक पहचाना आयरन मैन, तुम मेरी ही बनाई दुनिया में फंसे हुए हो। मेन फ्रेम में तुम्हारा स्वागत है। मतलब ये एक कंप्यूटर की दुनिया है? ये सब कुछ, ये कैसे मुमकिन है? कितनी खूबसूरत दुनिया है ना। तुम्हारा नया कवच मुझे तुम्हारे दिमाग में घुसने नहीं दे रहा था। मुझे तुम्हारे दिमाग में घुसने का नया रास्ता चाहिए था, जो था मेन फ्रेम, एक वर्चुअल माहौल जो सबके दिमाग को काबू करने के लिए बनाया गया है। ये किसी अल्टीमेट सोशल नेटवर्क की तरह है। बस यहाँ हर चीज और हर इंसान पर मेरा हुक्म चलता है। सुनकर अच्छा लगा। कंप्यूटर, आसपास के माहौल की जांच करो। जांच पूरी नहीं हो सकती। मुझे और गहराई में जाना ही पड़ा। जब भी इस दुनिया के कांटेक्ट में आते हो, एक नई चीज जाहिर करते हो। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया हूँ, टोनी स्टार्क। ओह, बहुत खूब। अब तक सारी दुनिया मुझे पहचान गई होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। पर इस दुनिया में सिर्फ मेरी चलती है आयरन मैन। ये सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। मेरा अंदाजा है कि तुमने हैमर से जो तकनीक खरीदी थी, उसी से ये छोटा सा वीडियो गेम बनाया है। वीडियो गेम? तुम्हारा अंदाजा ठीक है आयरन मैन, यही भविष्य है। जरा सोचो, हर आदमी, औरत और बच्चा इस मेन फ्रेम से जुड़ा रहेगा। कोई गड़बड़ नहीं, कोई विद्रोह नहीं, कोई मुझसे अलग नहीं सोचेगा। आ!
पर उन सैकड़ों दिमागों पर काबू पाने के लिए मुझे एक्सट्रीमिस्ट की जरूरत है। मुझे तुम्हारे दिमाग की वो लिंक चाहिए जो तुम्हारे कवच से जुड़ी हुई है। अपना राज जाहिर करो स्टार्क, जाहिर करो। दबाव महसूस हो रहा है, तुम्हारे असली शरीर का भी यही हाल है। अगर मैंने और दबाव डाला तो तुम्हारा शरीर दम तोड़ देगा। मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो। नहीं! अच्छा तो अभी इमारत भी मुझसे नफरत करने लगी। मेरा हमला पूरा नहीं हुआ। कंप्यूटर फिर से कोशिश करो, मेरे आसपास की दुनिया की जांच करो। मैं जांच कर सकती हूँ पर करूंगी नहीं, क्योंकि मैं भी कंट्रोलर ही हूँ। अच्छा, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। मुझे अपना राज बताओ स्टार्क, मुझे एक्सट्रीमिस्ट दे दो। तुम्हें चाहिए तो ले लो। मुझे एक्सट्रीमिस्ट इस्तेमाल करना होगा। जल्दी से मेन फ्रेम में घुसो। चलो जल्दी करो। कितना विशाल है, इसमें तो मैं खो जाऊंगा। मुझे अपने दिमाग पर काबू रखना होगा पूरी तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टॉक, ये क्या कर रहे हो? हमारे दिमाग मेन फ्रेम से जुड़े हुए हैं, तुम हम दोनों को जला डालोगे। रुक जाओ। टोनी, मुझे यहाँ से निकालो। उनके दिमाग भी मेन फ्रेम से जुड़े हुए हैं, अगर वो यहाँ बर्बाद हुए तो असली दुनिया में भी बर्बाद हो जाएंगे। टोनी, इसे रोको प्लीज। पेपर, मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर क्या तोहफा दिया था? मुझे मुझे याद नहीं है, बस मेरी मदद करो। ये पेपर नहीं है, वो शील्ड के साथ गुजारा दिन कभी नहीं भूल सकती। टोनी बचाओ। ये भी कंप्यूटर की दुनिया है, ये असली नहीं है। नहीं, सिस्टम को छोड़ दो, तुम हम दोनों को बर्बाद कर दोगे। मैं अपनी जिंदगी वापस ले रहा हूँ, उसके लिए जान गंवानी पड़े तो मंजूर है। हम दोनों मैं कहाँ हूँ? उसे बंद करो। मेरा सर। तुमने मेरे साथ क्या किया सैंडहर्स्ट? ओ, बहुत बुरा हुआ। मुझे वो तो नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि तुमने काम बिगाड़ दी। पर लगता है अब मुझे तुम्हारे दिमाग की हर परत पार करके अंदर तक घुसना होगा, और हो सकता है उससे तुम्हारा दिमाग बर्बाद हो जाए। पर फायदा चाहिए तो कीमत तो अदा करनी ही पड़ती है। तो इसकी कीमत अदा करो। इससे बच के दिखा। मेरे दोस्त कहाँ है बताओ? यही है, मैं तुम्हारी फिर से पहचान करवाना चाहूंगा वॉर मशीन से। रोडी? नहीं, उसके पुराने कवच से मेरा काम अच्छे से बन गया। बस मेरी कंट्रोल डिस्क को उलट पलट किया और उस पर मेरा काबू हो गया। वॉर मशीन, आयरन मैन को बर्बाद कर दो। रोडी रुको, ये मैं हूँ। मैं इसे यूनिबीम से मार नहीं सकता। पेपर, पेपर तुम कहाँ हो? सुन रही हो? हो सकता है वो स्कूल में हो, हमारी फिक्र कर रही है। रोडी रुक जाओ। रोडी नहीं, मेरी बात सुनो। ये मैं हूँ टोनी, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, तुम कंट्रोलर से लड़ चुके हो, ऐसा नहीं कर सकते रोडी। सुनेगा, ये मेरे काबू में है, ये पूरी तरह से मेरे काबू में है। मैं मैं इससे लड़ नहीं सकता। टोनी,
तुम्हें लड़ना ही होगा रोड़ी, ध्यान लगाओ। नहीं, कैसे ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? और ताकत रोड़ी, नहीं हार मत मानो। अब ये मेरा है स्टार्क, अब ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया है। जल्दी ही मैं मेन फ्रेम से पूरी दुनिया पर काबू कर लूंगा। बस एक बार मुझे वो एक्सट्रीमिस्ट मिल जाए। नहीं नहीं, मैं जेम्स रॉड्स हूँ, मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ। टोनी, अब तो मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करना। आखिर हुआ क्या? हम हैं कहाँ? एम के बेस में। तुम्हें देखकर खुशी हुई दोस्त, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है, लगा कि सबको खो दिया है। क्या तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? ये नाटक कर रहा है क्या? जरा इसकी आंखें देखो। तुम रोबोट हो क्या? बेचारे की याददाश्त चली गई, अब तो ये गया। जब इसके हेलमेट में ताकत आई होगी तो शायद ये असलियत भूल चुका होगा। मैं यहाँ कैसे आया? मैं किसी शांत जगह जाना चाहता हूँ, किसी अच्छी और शांत जगह। हाँ, शील्ड तुम्हें ऐसी जगह भेज सकती है। अपना फोन उठाओ टोनी। ओह, तुम कर क्या रहे हो? देखो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत। टोनी, रोडी। वाह, अब आंखों को ठंडक पहुंची। टोनी, मैं जानती थी कि तुम। ओह, अच्छा लगा, मेरी सारी मशीन्स यहीं पर हैं। बेबी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। कि तुम कुछ नहीं। पेपर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पर आखिर हुआ क्या था? तुम 3 दिनों से गायब हो, अब मुझे सब कुछ सच सच बता देना। टोनी, तुम्हारी मॉम एले में नहीं थी, और पता, उन्होंने मुझे 1000 बार कॉल किया। आखिर मैंने उनसे ये कहा कि तुम्हारा फोन टॉयलेट में गिर गया है। ओह, ये कहने के लिए शुक्रिया पेपर। ये दरअसल बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है। तुम ठीक तो ना टोनी? बड़े खोए खोए से लग रहे हो। हाँ हाँ, शायद थोड़ा सा सिर दर्द है। ये सब असली है, पर अब मेरा भरोसा असली दुनिया से पूरी तरह से उठ गया है। ये असली लगता है, लेकिन असलियत में वैसे भी हमारे दिमाग से ये ज्यादा नहीं है। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी कहानी बहुत लंबी होगी। नहीं, पहले डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सब कुछ देखने का एक और नजरिया है, और कुछ नहीं। मैं भी आ रहा हूं।